कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश में लगातार हरियाणा मांगे हिसाब के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और कांग्रेस शासन की उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। इस कड़ी में वो गन्नौर की पुरानी अनाज मंडी पहुंचे, जहां उनका सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को अब अपने 10 सालों के कार्यकाल का जवाब हरियाणा की जनता को देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर प्रदेश को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा, साथ ही बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। आगे देखो, 10 साल में स्थिति आगे की नहीं है, जिनके नेतृत्व